दृष्टि सीयूटी के टारगेट 2024 करंट अफेयर्स स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती मनाई जाती है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए 10 जून, ऑप्शन बी 11 जून, ऑप्शन सी 12 जून या फिर ऑप्शन डी 13 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 11 जून। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रिया और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सागर समृद्धि नामक एक ऑनलाइन ड्रेजिंग निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है। आपके ऑप्शन है पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मंत्रालय। तो प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिट लूजेस क्या है? आपके ऑप्शन है सिंथेटिक फाइबर, लाल सुपर जॉइंट तारा, तितली की प्रजाति या फिर सुपर मैसिव ब्लैक होल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी लाल सुपर जॉइंट तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण भारत में स्वच्छ पेयजल कनेक्शन प्रदान किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपके ऑप्शन है 2024 तक, 2025 तक, 2029 तक या फिर 2030 तक। तो प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वर्ष 2024 तक। अगला प्रश्न है, गुलाबी मीनाकारी हस्तकला किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 यानी साइट 20 का शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा या फिर गुजरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी गोवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है पंकज कुमार सिंह, नितिन अग्रवाल, अनीश दयाल सिंह या फिर कुलदीप सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी नितिन अग्रवाल। अगला प्रश्न है, न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है गोवा, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया? आपके ऑप्शन है वाराणसी, हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर गांधीनगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री शंकर मुरली ने पेरिस डायमंड लीग में कांस्य पदक जीता, उनका संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शन है फुटबॉल, वॉलीबॉल, थ्रोइंग या फिर लॉन्ग जंप। तो प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी लॉन्ग जंप।
चलिए हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अरब सागर में चक्रवात उठने की संभावना जताई है, उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है बेपॉड जॉय, यास, गुलाब या फिर तितली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, बेपॉड जॉय। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड। तो व्यूअर्स आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए सवाल और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।